दोस्तों, क्या आप ऐसे किसी फार्म में जाना चाहते हैं जहां आज भी खेती करके शुद्ध सब्जियां डायरेक्ट खेतों से लेकर 100 साल पुरानी दिखने वाली रसोई में गांव ढाणी के चूल्हे पर देसी तरीके से बिलोना छाछ, मक्खन, चूल्हे पर बना घी, कंडों पर भुना हुआ बैंगन का चोखा, पंचमेल दाल, पकौड़े वाली कड़ी, दाल के पकौड़े, तली हुई मिर्ची, सिलबट्टे की चटनी, सरसों की सब्जी, मट्ठे का बड़ा और मक्के की खींच, और ये सब बहुत ही खूबसूरत गांव जैसा एहसास देने वाले तात्या फार्म में, जहां पत्तल और दोनों में आपको ये सब परोसा जाता है, वो भी केवल 299 रुपए में। एक ऐसी जगह जहां आप और आपकी फैमिली के साथ आप एक डे आउट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आज आपको तात्या फार्म में जायका खिलाते हैं जो अब लुप्त होता जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और अभी मैं हूँ झांसी में। जी हाँ, झांसी की रानी वाला झांसी। और आज मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ ना, तात्या विलेज फार्म बोला जाता है। और इस फार्म की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, आपको विलेज लाइफस्टाइल, गांव का खाना, फार्म्स का फील क्या होता है, अगर वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना है तो आप तात्या विलेज फार्म आ सकते हो। मेरे पीछे ही आप देख सकते हो, है ना। चलते हैं, पहले यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और बाकी की जानकारी उनसे लेते हैं। आइए। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे आशीष जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लो, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं तात्या फार्म आ चुका हूं, क्योंकि मैं पिछली बार आया था ना, तो इसलिए आया था क्योंकि झांसी में इनके दो प्रोडक्ट्स बहुत चलते हैं। एक तो इनका देसी घी जो बिलोना पद्धति से निकलता है, और इनकी मदर के हाथ के अचार। तो वो पिछली बार हमने कवर किए थे बुंदेलखंडी खाने के साथ में, तो मुझे खाना इनका बहुत पसंद आया था। और अभी सर ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है ना? हां, हमने अब एक रेस्टोरेंट टाइप का स्टाइल में बनाया है जी। बुंदेली खाने का आपको प्रोत्साहित करेगा। अच्छा। हाँ, इसमें आपको देसी खाना आपके हेल्थ के साथ, हाँ, और सारा जो वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, मतलब कि सब्जी भी हमारे ही उग रही है, खाना भी हमारे ही बन रहा है, आप खेतों के बीच में खाएंगे, पर अच्छी सेटिंग के साथ। क्या बात है? तो और हमारा फार्म तो पहले था ही, मेरे और मेरे बड़े भाई ने मिलके हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है। आप अंदर चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ और नया जो हम लोगों ने किया। बिल्कुल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विस्की। विस्की, इनका फार्म हाउस है। यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे कजीमो भी है जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया था। और ये जो सामने की तरफ आप खेत देख रहे हो ना, ये खेत भी इन्हीं के हैं जिसमें सरसों, अभी सरसों लगी हुई है। अभी सरसों लगी हुई है, आपको सरसों का साग खिलाएंगे आज हम। है? हाँ। खेत में से ही तोड़ेंगे, खेत में से ही तोड़ेंगे। आपको चूल्हे पे खाना बनेगा, चूल्हे पे खाना बनेगा और लकड़ी के फर्नीचर में बैठा के आपको खिलाएंगे। क्या बहुत बढ़िया, मतलब पूरा देसी फील। हाँ, जैसे कि ये सब्जी हमने लगा रखी है यहाँ पर। वैसे तो देखो, गोभी हार्वेस्ट के लिए रेडी भी है, फूल गोभी बंद गोभी दोनों रेडी है। ये देखो दोस्तों, वहाँ पे गोभी रेडी हो चुकी है। और आज हम ये जो सरसों का खेत आप देख रहे हो ना, इसमें से सरसों भी लेंगे और यहीं पे बनवाएंगे और यहीं पे खाएंगे। और आपको ये सारा सब कुछ आज हम दिखाने वाले हैं। पूरा एक अपन ने एक एरिया अपना गाय, यहाँ पशुपालन तो आपने देखा था लास्ट टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से अपना सारा घी बन रहा है जी। ये अपन ने एक उसी के बगल में एक एरिया को अच्छे तरीके से फार्म तरीके का बनाया है। उसमें अपन ने बैलगाड़ियां भी है जो चलती है, और आपका ये तो ये मचान वगैरह बनवा के पूरा गाँव तो खैर है ही, और फील भी देने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी काम चल भी रहा है थोड़ा, बस अब ये फिनिशिंग रह गई है। यहाँ पे हम वैसा भी करेंगे की आपके पास अंगीठी भी होंगी, तो आप गार्डन में जब बैठेंगे, ये बॉनफायर एरिया, ये बॉनफायर एरिया रहेगा, और ये साथ में जहाँ जहाँ सेटिंग होगी वहाँ एक अंगीठी दी जाएगी, उसमें आपको ठंड ना लगे, अभी ठंडों का सीजन है। इन शॉर्ट, तात्या विलेज फार्म, पूरा फार्म वाला फील, गांव वाला फील। चूल्हे की कुकिंग तो अभी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, क्योंकि खाने के बिना हमारी वीडियो तो इनकम्प्लीट है। बाकी मैं चाहूंगा एक बार ना आप नजर घुमाओ, आपके चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखेंगे। अगर आप यहाँ से देखोगे जितनी दूर आपकी नजर जा सकती है, झांसी मेन सिटी और यहाँ पे शायद इलाइट चौराहा जो यहाँ का सबसे मेन चौराहा है, वहां से यहाँ की कितनी दूरी होगी सर? 11 किलोमीटर। और रोड भी अच्छी है, तो आप 20 मिनट के अंदर अंदर आप आ जाएंगे। हम भी आए हैं हमारी गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। इसीलिए मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये जगह आपको दिखाऊं। और इन्होंने अभी जो ये सारा सेटअप किया है ये बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं हमारी। अच्छा। पहले अपन अपने जहाँ अपन ने खेती कर रहे हैं, अपन ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, अपन सब्जियां उगा रहे हैं ना। अच्छा। पहले अपन वो तोड़ने चलेंगे, उसकी फिर उसको लेकर आने के बाद फिर अपन सब्जियां बनाएंगे, फिर अपन किचन चलेंगे। चलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी कभी आए तो जो सीजनल लगा हुआ हो ना, तो इनसे तोड़वा लेना आप भी, ठीक है? और इन्होंने ये टोकरी दे दी है इनको,
को, तो पहले क्या निकलवा रहे हैं अपन? पहले अपन लेकर आएंगे बंद गोभी और उसके बाद धनिया और लास्ट में आएगा आपका सरसों का साग। अच्छा अब ये जा रहे हैं। अच्छा पानी डाला है आज, सीजन पानी का टाइम आ गया था। बाकी देखो दोस्तों ये जो सारा फील है ना यार, ये शहर में तो पॉसिबल है ही नहीं, और इसी का मजा लेने आज हम लोग आए हैं ये तात्या विलेज फार्म में। और देखो सामने गोभियां हैं, अब ये वहां से लेने गए हैं। ये देखिए बहुत, ये कौन सी वाली है? ये बंद गोभी है जी, अपन गोबर की खाद से करते हैं। अच्छा अपना क्योंकि खुद के अपने गाय है, भैंसे हैं, पशु हैं अपने, बिल्कुल तो उनका सारा जो गोबर है अपन वो खाद में यूज कर, तो किसी तरह का फर्टिलाइजर या केमिकल या आर्टिफिशियल इन तरह की चीजों का अपन इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखो ये पूरा एक गोभी है, नहीं इतनी बड़ी। हाँ ये एक गोभी है, है ना मजा, गाँव का एक अपना फील। ये देखो देसी गोभी, ये आ गई हमारा, ये आ गई देसी गोभी। अब इसकी बनेगी अपनी पत्ता गोभी और आलू उखाड़ेंगे। तो दोस्तों देखो अभी मूली उखाड़ेंगे, मूली के लेने के लिए गए हैं। ये देखिए, ये देखो ये मूली उखाड़ दी उन्होंने, बहुत सही। हाँ मूली आ गई है, अब अपन ये धनिया और कर लेते हैं तो अपने 80% प्रोसेस हो जाएगा। तो सर अभी क्या तोड़ रहे हैं? अब अपन टमाटर तोड़ेंगे, थोड़े हल्के हरे होंगे, वो सलाद में यूज होते हैं, ये देसी टमाटर है। धनिया निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो बिल्कुल ताजा धनिया, बिल्कुल खेत में से निकालते हुए ये देखिए तोड़ लिया, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो आप सारी चीजें जो हैं इन्होंने खुद से यहाँ अपने खेतों में उगाई हुई हैं, और यहीं से फ्रेश निकाल करके, और इसी से सब कुछ हम यहाँ पर आज तात्या फार्म्स में बनवाएंगे। ये देखो सब कुछ फ्रेश है, और ये है इनके खेत, और अब निकालेंगे हम फाइनली सरसों। तो दोस्तों देखो ये है सरसों के खेत जी, शाहरुख खान वाले। तो अब आप इसके पत्ते अपन यूज करेंगे जी साग के लिए, उसके लिए आपको कोई ऐसा खास इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है। अच्छा बाकी यार ये देखो ये जो फील है ना यार, फार्म्स होने चाहिए मेरे हिसाब से और सब जगह होने चाहिए। अब लेकिन अभी हम झांसी में हैं, और झांसी में सबसे अच्छा फार्म तात्या विलेज फार्म ही है, अगर आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है तो। ये सरसों देखो इन्होंने तोड़ी भी है, ये देखो बहुत बढ़िया जी। हाँ बहुत। तो दोस्तों आप चलते हैं किचन में फाइनली, ठीक है, और रसोई में है ना, चूल्हे वाली रसोई में चलते हैं, और वहाँ क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। आइए सारी चीजें ले ली थी हमने, है ना, आधी तो अंदर पहुंचवा दी, एक मेरे पास है। अब जा रहे हैं फाइनली हम लोग किचन में, सॉरी रसोई में है ना। तो रसोई में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, बिल्कुल बताइए। आपको शूज यही उतारने पड़ेंगे। अरे बिल्कुल उतारेंगे। तो दोस्तों सही बात है, रसोई घर में जा रहे हैं, शूज उतार लेते हैं पहले। दोस्तों जूते उतार लिए और मैंने मेरी शर्ट भी उतार ली है फिलहाल, है ना, थोड़ी गर्मी लग रही थी। और देखो यार ये है माहौल यहाँ की रसोई का, और पूरा जो ट्रेडिशनल लुक होता है ना वो है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ सारी सब्जियों के साथ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, दीजिए कैमरा। ये देखो ये बिल्कुल जो पहले के जमाने में जिस तरह से होता हाँ था, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ ये दही से इसको मत के आपसे जी, इसमें से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को हम इस चूल्हे पर पकाएंगे। ये देखो दोस्तों यार जैसी रसोई होती थी जैसे चूल्हे होते थे, बिल्कुल तो कंडे पे, इसी कंडे पे अपना अब पहले घी बनेगा, हाँ, फिर उसके बाद अपना उसी घी से अपना खाना बनेगा। क्या बात है, जो कि ये घी है इनका खुद का तात्या मिल्क वर्क्स, आप देख सकते हो, है ना जी। ये बिलोना घी है, बिलोना पद्धति से जैसे हमेशा निकाला जाता था, हाँ जी हाँ जी, है ना, शुद्ध देसी घी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी बताई थी आपने, एक बार फिर बता दीजिए। इसका 1100 रुपए लीटर का प्राइस है प्लस डिलीवरी चार्जेस है। बहुत बढ़िया। और ये अचार इनके मदर की रेसिपीज है, हाँ, ये हमारा खट्टा मीठा नींबू है, ये हमारा चटपटा हरी मिर्च है, बहुत बढ़िया, ये हमारा लाल मिर्च भरवा चार है, ये हमारा मिक्स अचार है, ये हमारा आंवले का अचार है। तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 6 अचार है, 6 अचार, एक घी है जी, और एक मेरे फादर की रेसिपी है, ये आयुर्वेदिक चाय मसाला। अच्छा हाँ ये भी पिछली बार हमने लिया था, हाँ, इसकी आपको मैंने अभी चाय भी पिलाई थी, हाँ। तो ये इनमें से टेस्ट एनहांस होता है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। पप्पू भाई इसमें ये दही डालेंगे और फिर अपन इसको मथनी से चलाकर इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। क्या बात है दोस्तों यार, ये देखो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो इस तरह से बिलोना होता है यहाँ पे, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल, हाँ, ये जो अपना गाँव में जैसे हुआ करता था, मम्मी लोग या नानी लोग दादी लोग किया करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम लोग इसको कर रहे हैं। ये देखो यार ये लगभग आधे घंटे का प्रोसेस है। अच्छा हाँ, और आधे घंटे में मक्खन निकलेगा, मक्खन निकल आएगा और मठा अलग हो जाएगा, बिल्कुल, और मठे को अपन मसाला मठा बनाएंगे वो अपन पिएंगे, हाँ। और मक्खन से बनेगा अपना घी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो अभी जो हमने मक्खन निकलवाया था वो वहां आ चुका है ना, तो हाँ। अभी अब इसका मक्खन को अपन चूल्हे पे बना कर इसका घी बना लेंगे, घी बना लेंगे, है ना, हाँ। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखो अभी ये पूरा जो मक्खन है वो देखो
और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल चूल्हे पे काम हो रहा है। आपके तो दोनों फायदे हैं। हाँ हाँ, बिजनेस का बिजनेस और सेहत की सेहत। मतलब आप जो देखिए थोड़ा सा हो गई है शाम। जी जी, अब हमारे आने लगेंगे जहाँ कुछ हमारे कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि अभी हमने मार्केटिंग तो स्टार्ट नहीं की है। जी जी, पर फिर भी माउथ पब्लिसिटी से काफी लोग आते हैं। जी, तो अब हम लोग को थोड़ा सा स्पीड अप करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब आप पांचों चूल्हे छहों चूल्हे आप देखना, दो मिनट में ये लाइट अप होने वाले हैं। अच्छा, अब ये पूरा खाना आपका एक साथ पैरेलली बने। बहुत बढ़िया। बरा बनेगा। बरा क्या होता है? बरा मूंग की दाल का बनता है, शेप लाए। हाँ, और ये मैं आप खा भी देता हूँ। ये देखिए, ये होता है बरा, फ्रेश बन चुका है। इसको ओवन नाइट मठे में गलाया जाता है नमक वमक डाल के। अच्छा हाँ, तो उससे ये इसका ये फूल जाएगा और ऐसा इसका ये मठा है। ये मठा है और इसमें मैं देख रहा हूँ इसके मसाले जैसे हैं। हाँ, ये पूरे इसमें मसाले इसमें आ गए हैं। तो अब ये मठे को भी टेस्ट आएगा आप में और बरे में भी टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम सिलवट्टे पे अब चटनी बनने जा रही है। हाँ, ये वैसे चटनी के रूप में भी खाएंगे और ये अपने आलू बैगन के चोखे में भी ऐड होगा और मंगौड़ी में भी अपन इसको यूज करेंगे। देख लेते हैं हमारे घी का क्या सीन रहा। ये पूरा मक्खन जो है ये पिघल तो चुका है। ये है जी। और घी निकलने में कितना समय लग जाता है सर? अभी इसमें लगेंगे 15 मिनट और। हमारा चूल्हा तो रेडी है। बिल्कुल सर। अब हम इसमें बैगन डालेंगे भूंजने के लिए। अच्छा, वो चोखा बनाने के लिए? चोखा बनाने के लिए जी। ये देखिए, इन्होंने बैगन ले लिया, टमाटर ले लिए, चूल्हे में डालेंगे भूंजने के लिए। ये हमारे अपने ही खेत के हैं। तो अब चोखे की तैयारी हो रही है। बैंगन ले लिया। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये छोटा जगरा लगा दिया यहाँ पर चूल्हे पे और यहीं पे देखो इसको डाला जाएगा। बहुत फील है यहाँ, मजा आ रहा है मुझे तो। और सर्दी में क्या है कि चूल्हे के सामने ना मजा भी आ रहा है। मजा भी आता है, थोड़ी गर्माहट आती रहती है। हाँ, और देखो किस तरीके से ये एक एक करके लगा रहे हैं। और उसके पास में अभी देखो ये एक और चूल्हा है। यहाँ पे देखो बेसन की कढ़ी जो बनने वाली है अभी, कढ़ी पकौड़े के लिए, उसकी तैयारी हो रही है। तो ये देखो, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो सारा खाना है वो घी से ही बनेगा। देखो घी डल रहा है और ये घी तात्या फार्म्स का ही घी है। हमारा जितना भी खाना है हमारे खुद के ही गाय के घी से ही बनता है। काम देसी तो हो रहा है लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी सारे जो है ना ऑर्गेनिक ही यूज हो रहे हैं। ये सबसे अच्छी खूबसूरती है तात्या फार्म्स की। और यही दिखाने आज मैं राजस्थान से आप लोगों के लिए, यहाँ बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में झांसी में बैठा हूँ। ये देखो अभी सबसे पहले घी डाल दिया उन्होंने बर्तन में। अभी ये क्या डल रहा है मैडम? मेथी डल रही है ना? मेथी दाना। बहुत बढ़िया। सरसों मतलब राई डल रही है? राई डल रही है। और अभी ये खड़ी मिर्च है लाल कलर की। बहुत बढ़िया। हम पिसी लाल मिर्च यूज नहीं करते अपने किसी भी खाने में। मिर्च हमें यूज करते हैं या तो हरी करेंगे जी, नहीं तो खड़ी लाल मिर्च है ना। और तुरंत ही इसमें अब देखो दही जा रही है। ये देखो जी, ओ क्या बात है। अब ये बेसन है, अभी बेसन डालेंगे है ना। हाँ, बेसन को किस में डाल रहे हैं? मठे में। अच्छा, देखो दोस्तों मठा बोलते हैं छाछ को। छाछ में बेसन डाला है और गुठलियां ना बने इसलिए। ये देखिए ये डल गया जी तुरंत। और अब तो सच में बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है। हाँ, आपके कस्टमर्स आने का टाइम हो गया। कस्टमर्स आने का समय है हमारा। बहुत बढ़िया देसी खाना प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया। अभी ये डल रहा है दोस्तों, नमक डल गया देखो इसमें। और इसमें पकौड़े ऐड होंगे। अब देखो दोस्तों ये जो दाल है, दाल के लिए चढ़ा दिया है इन्होंने। इसमें पानी है और चूल्हा तैयार हो रहा है। अभी ये देखो इसको निकाल दिया। टमाटर सबसे जल्दी हो जाता है। टमाटर भी हो गया। ये बैंगन भी देखो इन्होंने निकाल दिया है। इसी के साथ हमारा घी भी रेडी हो गया। घी रेडी हो गया? हाँ जी भैया, घी रेडी। वाह, देखो दोस्तों वो बिलोना पद्धति से निकला हुआ जो मक्खन था उसका घी देखो ये हो गया रेडी। ये देखो यार, अब आपकी रोटी इसी पे आएगी। तो ये घी तैयार हो गया, तो इसको तो रखा जाए। ये रख दिया जी देखो घी। तो दोस्तों देखो अब ये दाल आ चुकी है और इसको पंचमेल दाल बोलते हैं। इसमें पांच तरीके की दालें हैं। कौन सी सर एक बार बता दें? अरहर है, ठीक है, ये मूंग है, ये उड़द है जी, ये चना है, इसमें ये हरी वाली मूंग है और ये छक्कल वाली है, बिना छक्कले वाली। बहुत बढ़िया। और इसको पहले इसमें पानी में धो लिया जाएगा है ना। बहुत सही। ये देखिए दाल डल रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, डल रहा है। इसमें देखिए नमक, ये देखिए हल्दी, इसको ढक देंगे। अब अपन इस चूल्हे पे बनाएंगे महरी। महरी महरी मक्के का दलिया। अच्छा। और उसे मठे में पकाया जाएगा। तो ये बुंदेलखंड का लोकल फूड है। बहुत बढ़िया। और इसके लिए सबसे पहले ये इन्होंने क्या लिया है सर? ये फ्रेश मठा है अपना। अच्छा, छाछ। ये अपन छाछ, मठा बटर मिल्क। अब इसमें अपन डालेंगे मक्के का दलिया। वो अच्छे से चूरा हुआ है ना? हाँ, चूरा हुआ है, पर ये आटा ना बने। अच्छा, दरदरा रहे। दरदरा रहे। बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, ये देखो इसमें भी डाल दिया इन्होंने। क्या बात है जी। मतलब आज जो है ना हम यहाँ पे लोकल डिशेस खाएंगे जो बुंदेलखंड
बुंदेलखंड में खाई जाती है, गांव देहात में खाई जाती थी पहले। और ये देखिए ये जो है ये दाल, बहुत अच्छे। तो इसका तो सर यही प्रोसेस होता होगा कि डाल दिया, अब इसको उबालते रहेंगे उबालते रहेंगे, है ना, जैसे खीच बनती है। खीच बनती है। तो सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सारा जो भोजन है ये सात्विक भोजन, ये सारा बिना प्याज लहसुन का खाना बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रोहित हूँ तो हमारे घर में तो वैसे भी प्याज लहसुन खाई नहीं जाती है जी, तो फिर हमने उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा हमारा भोजन भी वैसा ही। बहुत अच्छी बात है। और आजकल लोग सर प्रेफर कर रहे हैं, मुझे भी काफी कमेंट आते हैं कि कुछ वेज में ज्यादा लाइए। तो कोशिश मेरी यही है कि वेज जितना ट्रेडिशनल हो सके मैं दिखाऊं। मैंने एक और चीज इनसे पूछी थी ऑफ द कैमरा कि बर्तन आप ये वाले यूज कर रहे हो, आप मटकी यूज कर सकते थे, तो फिर इन्होंने कहा कि देखो हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं दिखाने के लिए, जैसा कि लोग दिखाते हैं, बट देखो मैनेज करना क्योंकि आगे मुझे पता है, क्योंकि पूरे झांसी में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। नहीं, अपने 50-100 किलोमीटर रेडियस में ऐसी कोई अभी चीज है नहीं है जहाँ पे इतना एक्सपीरियंस दिया जाए। जहाँ फैमिली के साथ आइए, पिकनिक मनाइए, झूलों का एंजॉय करिए, फार्म लाइफ को देखिए, पेट्स के साथ है, हमारे डॉग्स हैं, आप कैटल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो उनके साथ आप उनको चारा खिला सकते हैं। तो आप ऐसा पूरा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है, रूम्स भी रेडी हो रहे हैं, तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं, मूली या टमाटर बैगन तोड़वा कर अपने मनपसंद सब्जी बनवा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो पूरा उस तरह का हम जो एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं वो वैसा अभी हाल फिलहाल मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं 100 किलोमीटर के रेडियस। और बहुत अच्छा किया आपने ये खाना और इस तरह का एक्सपीरियंस आप झांसी के लोगों को दे रहे हो। ये मिर्ची तलने के लिए तैयारी हो रही है ना, तो इसको देखो बीच में से काटा जा रहा है मिर्ची को बहुत ही अच्छे से। तो ये मिर्ची तली जाएगी सर? हाँ जी, उसको बस अपन तलेंगे। क्या क्रिस्पी एलिमेंट, क्रिस्पी एलिमेंट। तो ये बर्तनों में, खुले बर्तनों में बनाने का कॉन्सेप्ट ही है जी, इसमें होता है झाग, यूरिक एसिड। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, उसको बिल्कुल निकाल दिया जाता है। अच्छा, वो अलग से निकाल देते हैं। हाँ, ये इसी वजह से आजकल जो है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, वो सब होने लगे हैं। तो ये हम जितना भी इसमें से ये झाग होता है वो निकाल। बहुत बढ़िया। कुकर में वैसे भी बोलते हैं लोग नहीं बनाना चाहिए, कुकर में नहीं खाना चाहिए, कुकर का ना चावल खाना चाहिए ना दाल खाना चाहिए। तो दोस्तों देखो ये जो है हमारी कढ़ी तो देखो हो गई है रेडी और इसको रखा जा रहा है। दोस्तों अभी जो बैंगन हो गए थे ना उसका देखो छिलका निकाला जा रहा है बढ़िया से। अब इसकी तैयारी हो रही है, ये बनेगा चौखा। और यहाँ पे हमारे बेसन के घोल बन गए हैं, ये नमक भी डल गया है इसमें, कढ़ाई रख दी है ऑलरेडी। लगभग अब चीजें बनने में ही हैं, फिर उसके बाद में जैसे ये बन जाएगा सब कुछ खाएंगे बढ़िया, खा के बताएंगे आज आपको यहाँ का जायका, है ना, तात्या विलेज फार्म का। सर ये क्या हो रहा है? ये अब दाल में तड़का लगने के लिए तैयारी हो रही है। और ये कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी हो गई है। और ये मतलब देखो दोस्तों ये देखो दोस्तों ये हींग भी इधर रख दिया है इसमें। अच्छा, कड़ी पत्ता, हाँ ये आ गया जी कड़ी पत्ता। और ये गरम मसाला है, हाउ हाउ हमारे यहाँ मतलब हाउ का मतलब हाँ, बहुत हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ हाउ ही एग्जिस्ट करता है। ये देखो दोस्तों अब ये उठाया दाल के तड़के के लिए, ये डल गए जी टमाटर अब इस तड़के में। तो दोस्तों देखो तड़का तैयार हो गया, अब ये दाल उठाई इन्होंने, अब ये दाल को इसमें डाल दिया जाएगा। ये देखिए क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। और ये देखो ये जो पकोड़े है ना, ये हैं कड़ी पकोड़े के लिए, पकोड़े तैयार हो रहे हैं कड़ी में डलने के लिए जो हमने बनवाई थी अभी। मज़ा आ जाएगा आज ये चूल्हे की खाना खा के बुंदेलखंड झांसी में। और ये पकोड़े देखो इसमें निकाल दिए हैं, देखो बहुत ही बढ़िया। देखो दोस्तों पकौड़ियाँ तो हमारी हो गई थी और उसके बाद में देखो इन्होंने अभी ये मिर्ची छौंकी है इसमें, ये देखो यार शानदार। और यहाँ पर देखो अभी ये कड़ी का जो हमने ये कड़ी बनवाई थी उसका तड़का तैयार हो रहा है। और ये हो गया तड़का तैयार और ये आ गई कड़ी और ये अब डल रही है इसमें, देखो अब तड़का लग चुका है। अब फाइनल जो प्रोसेस है ये डालने का है, ये देखो ये सारे जो है पकौड़ियाँ भी डल गई हैं इसमें और ये इसके साथ अंतिम चरण इसका भी खत्म। तो दोस्तों देखो अब जो प्रोसेस होगी वो होगी हमारे साग की, खेत से ही लिया था है ना, सरसों का खेत हमने आपको दिखाया था। देखो इसकी कटिंग हो रही है इस तरीके से, ये देखो यार हो रहा है ना बिल्कुल देसी काम। तो ये रखो बगल में, ये देखो इस तरह से ही हो रही है कटिंग इसकी। तो सर अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये इन्होंने बैगन को कर लिया है छोटा छोटा जी, अब इसमें मिलाएंगे अपन भूंजे हुए आलू। देखो आलू भी हो गए हैं, टमाटर हो गए हैं, टमाटर है और ये बैंगन है और वो रही अपनी हरी मिर्च जो पहले पिस गई थी। अच्छा, जो सिलबट्टे में पीसी थी हमने, हाँ, ना वो भी इस पे ऐड होगी हरी चटनी। हाँ, ये तीखापन देने के लिए आपके भाते को। दोस्तों ये देखो चटनी डाल दी, ये थोड़ी और डाल करके अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जो मिक्सअप हो रहा है ना, ये सारा सब कुछ जिसमें आलू है टमाटर है मिक्स कर दिया और ये भी हमारा चोखा जो है वो हो गया तैयार, है ना, महेरी है ना, महेरी दलिये का मठे में पकाया हुआ मकई के दलिये से। और ये पक चुका है सर? ये अब रेडी है। तो ये भी हटा दिया है जी, एक एक करके चीजें तैयार हो गई हैं सारी, ये भी अलग रख दी, ये देखो अलग पड़ी है, ये अलग पड़ी है।
और दोस्तों देखो यहाँ पे मक्का और ज्वार की रोटी भी बनने वाली है अभी, जिसकी तैयारी यहाँ पे चली रही है ऑलरेडी। दोस्तों देखो अब जो है ना ये जो सरसों है इसको उबाल लिया था, अभी इसको देखो इस तरह से पानी निकाला जा रहा है, इसका पानी निकाल करके देखो अलग से रखा जाए और अब इसका तड़का तैयार किया जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने ये रखी हुई है, ये देखो दोस्तों ये डल गया घी, जीरा डल रहा है सबसे पहले, घी में ये डाल दिया जी सारा मसाला इसमें। अब ये देखो जी ये भी हमारे जो साग है रेडी हो गया, इसको भी उतार लिया गया है यहाँ पर। बस ये जो लास्ट में रोटियां बन रही है हमारी, देखो इसको यहाँ पे बोला जाता है गखड़, सही बोल रहा हूँ क्या, टिक्कड़ है ना। और ये देखो यहाँ पर ये पहले तो हाथ से थपेड़ के बिल्कुल अच्छे से देखो इस तरह से बनाया जाता है, देसी घी लगाकर बिल्कुल तात्या फार्म्स का ही। यहाँ पर देखो हमारी बन रही है ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, ये देखिए साहब बहुत बढ़िया। तो सर ये पहली थाली जो आपने लगाई है ये हमारे भगवान जी के लिए, श्री अर्पितेश्वर महादेव के लिए जाएगी पहली थाली। बहुत बढ़िया, तो पहले भगवान को भोग लगा लेते हैं ना। चलिए सर, चलिए बढ़िया। अब बस आप खाने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। और आपको हम खिलाएंगे भी देसी तरीके से। अच्छा हाँ, पत्ता लो दोनों में। दोस्तों देखो आप, मैं रात का आपको फील दिखाता हूँ तात्या विलेज फार्म का। बीच में देखो बोन फायर बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे लगा दिया है, ये इनका सिटिंग एरिया है। और जो जो चीजें हमने बनवाई थी अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये तो है कड़ी पकौड़ा, जो क्या बात है यार, पंचमेल दाल डलेगी, पंचमेल दाल, ये देखो ये दाल हो गई। अब ये डालेंगे आप महेरी, आपकी महेरी, महेरी। तो दोस्तों देखो महेरी ये जो है क्या, दलिया, मक्के का दलिया। हाँ, हाँ मक्के का जो दरदरा दलिया था, हाँ, वो है। ये आलू बैगन टमाटर वाला अपना चोखा, ये अपना चोखा यार, ये देखो कितना सही लग रहा है, चटनी वटनी डाल के बनवाया था इसको हमने। ये आ गया अपना सरसों का, अपने खेत का सरसों का। दोस्तों ये हमने सरसों के खेत से तोड़वाया था और अभी हमने अंदर बनवाया चूल्हे पे, बहुत बढ़िया। ये अपनी मंगौड़ी और चटनी रेडी हो गई है, इस दोने में जाएगी। पहले अपन इसमें थोड़ी सी मंगौड़ी डालेंगे, हाँ जी। अब इसमें डालेंगे अपन चटनी, ये है टमाटर जी, हरी मिर्च और धनिया की चटनी जो सिलबट्टे पे पिस रही थी ना। हाँ जी, वही 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 वही। क्या बात है यार, ये देखो चावल आ, ये आ गए अपने चावल है, चावल। ये अपना बेसन का सेव का नमकीन है। अब ये अपना ही फार्म का बना हुआ अपनी मदर की रेसिपी है, ये आम का अचार है। आम का अचार, क्या बात है, वो जो पैक सामने देखे थे अंदर। हाँ हाँ, वही वही, क्या बात है। तो ये आ गया जी अचार, ये देखो आम का, बहुत बढ़िया। थाली देखो बिल्कुल कलरफुल थाली यहाँ सजती जा रही है हमारे पास। मूंग की दाल का बना हुआ बड़ा है। अच्छा, जो आपने दिखाया था वो हाँ, मट्ठे में डाल के रखा, ये ओवरनाइट मट्ठे में रखा जाता है। अरे क्या लग रहा है यहाँ, टेस्ट एनहांस कर देता है ये इसका, बहुत बढ़िया। तो ये पहले जी, अब इसमें ये आएगा मट्ठा इसमें इस तरह से, बात है बहुत बढ़िया। ये देखो लास्ट में अभी ये पापड़ आ गया, पापड़ भी आ गया। तो ये लास्ट है या अभी और भी? अभी अभी तीन आइटम चार आइटम और है। क्या बात कर रहे हो। अब आएगा ये अपना देसी गुड़। अच्छा, ये आ गया जी गुड़ मीठे में। हाँ हाँ जी, ये अपने टिक्कड़ है, ये अपने मक्के का टिक्कड़ है और ये अपना ज्वार का टिक्कड़ है। ये दो रोटियां आ गई, ये बिना बेले हाथ से की जाती हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो पहले तो ये डाल दिया मक्के वाला, एक मक्के वाले रख दी, ज्वार वाली आ गई। अब इस पर के इसके ऊपर ये रखेंगे व्हाइट बटर, जो अपन ने वो मक्खन निकाला था मथनी में से जी सर, अब उसमें से अपन ने काफी तो घी बना लिया था। हाँ। थोड़ा अपन ने बचा लिया था। अच्छा। वो हम रोटी में ऊपर से देते हैं। क्या बात, टिक्कड़ के साथ ये आपका ये मक्खन ऐसा आ गया है इसके ऊपर। हाँ जी, अब आएगा आपका एक लास्ट एलिमेंट जी, ये चूरमा का लड्डू, ये भी इसमें सर्व। और ये थाली अब आपकी कम्प्लीट, कम्प्लीट फाइनली। फाइनली तली मिर्च आई है? तली मिर्च नहीं आई भैया, तो मतलब लास्ट बोलते भी ये तो रही गई। अरे आपकी आज मिर्च रह गई है। चलो जी बहुत बढ़िया, फाइनली ये भी आ गया, अब हो गई थाली हमारी, अब थाली कंप्लीट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ झांसी उत्तर प्रदेश में। आज हम है और आज हम आए हैं तात्या विलेज फार्म में और मैंने आपको दिखाया पूरी मेकिंग, जिस तरह से यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे पे होती है, बुंदेलखंडी लोकल जायका यहाँ पे बनता है। और ये जो थाली है ना जो अभी हमारे सामने लगी है, ठंडी हो जाए, ठंड का मौसम है, इससे पहले हम एक बार इसका जायका देखते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं क्या है और
बाकी इन बिटवीन में आपको बताता रहूंगा कि यहाँ पे और क्या क्या करने का है, क्या एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, बहुत भूख लगी है, तो देखो सबसे पहले तो ये है टिक्कड़, ठीक है। और ये देखो नीचे भी पूरा पिघल चुका है तरह से, देख रहे हो। अब ये नीचे वाला ले लेते हैं, है मजा। पहले तो मैं तो इसका फोल्ड करके इसको खाऊंगा यार, इस तरह से। देखो शुद्ध चीज होती है ना, वो समझ में आ जाती है पहली बार में। मक्खन का टेस्ट बकायदा आ रहा है, जबकि मैंने इस पे कुछ नहीं डाला, ना नमक ना कुछ, बहुत सही यार। देखो एक बार फिर दिखाता हूँ, ये देखो ये मक्खन है, इसको लेते हैं, ये देखो है ना, खन भी लगा दिया इस पे अच्छे से। और अब इसको लेते हैं अपन इसके साथ, चोखे के साथ। ये देख रहे हो आप, बैंगन और टमाटर और आलू का ये चोखा बना था, ये देखो, दिस इज माई बाइट, है मजा आ रहा है। देखो यार मैं आपको एक बात बताऊं, देसी खाने की होड़ नहीं होती। जो ये बना है ना, हर चीज में स्मोकी फ्लेवर, और किस तरह से इसको है ना कंडो पे बनाया था, वो स्मोकी फ्लेवर टेस्ट, सिल बट्टे की चटनी का जो टेस्ट था ना, वो सारा सब कुछ इतना शानदार आ रहा है इसमें, बहुत सही। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे फैमिली भी आई हुई है, बहुत सही जगह है। और अगर आप इस तरफ भी देखोगे ना, तो ये उन्होंने अभी नया क्रिएट किया है इस विलेज फार्म को, और यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप बैठ करके खा सकते हो, और ये एक एरिया है जहाँ पर बोन फायर है, आप देख सकते हो बीच में, और ये गार्डन एरिया है, कोई भी एक्टिविटी की जा सकती है यहाँ पे, बर्थडे पार्टीज भी की जा सकती है, कोई और पार्टी, या फिर अगर आप यहाँ बैठ करके खाना चाहते वो भी है। चलो दूसरी चीज खाते हैं। ये जो हमने है ना, इनके खेत में से, वहां से सरसों के खेत में से सरसों निकलवाया इनसे ही, और वही सरसों हमने बनवाया यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये, और इसको भी क्या होता है, शहर में हम लोग भी रहते हैं ना, काम में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें ना तो फैमिली को टाइम देने के लिए होता है, और ये जो गांव की लाइफस्टाइल है ना, ये कहीं ना कहीं हर कोई एंजॉय करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, तो उसके लिए उन्होंने सोचा और ये जगह इन्होंने लाई। आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी थोड़ा और खाता हूं, आपको बताता हूं और भी चीजें हैं यहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो कढ़ी, अब कढ़ी अपन खाते हैं। देखो पकौड़ी अलग तली थी और कढ़ी हमने बनवाई थी छौका लगा के बढ़िया चूल्हे पे। अब इसका एक बार बाइट लेते हैं, एक अपन ये उठा लेते हैं, और मैं आपको ना इसकी सॉफ्टनेस दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कितनी सॉफ्ट है यार, देख रहे हो क्वालिटी ऑफ फूड, चूल्हे पे बना हुआ। और इसको अब लेते हैं इस तरह से, और शानदार यार, शानदार, बहुत सही है यार, बहुत सही टेस्ट, देसी खाने की सच में होड़नी है, बहुत बढ़िया। अब ये देखो ये पकौड़ियाँ हैं, और सर्दी का मौसम है, राजस्थान में पोस बड़े चलते हैं, तो ये उसी तरह की दाल की पकौड़ी है। बहुत बढ़िया यार, क्रिस्प है, चटनी का मेन रोल होता है देखो पकौड़े के साथ, तो चटनी तो बहुत जोरदार है। तो दोस्तों देखो अभी अपन एक रोटी उठाते हैं, देखो ये तोड़ते हैं और मक्खन लेते हैं सबसे पहले, तो देखो इस तरह से है ना, और मक्खन लेने के बाद में अब मैं ट्राई करूंगा ये जो, और मेन चीज है देखो ये इन्होंने ना सारी चीजें धोने में दी हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल से बना भी और देसी स्टाइल से सर्व भी हुआ है, तो पहले इसको, हाँ ये देखो इस तरह से बहुत ही अच्छे से, ये देखो यार है। यहाँ पे पता क्या है, आप है ना आओ सारी चीजें लगवाओ और उसके बाद खाओ, ठीक है, फिर ये मैं सोचो कि क्या आ रहा है बीच में, जो अच्छा लगे उठाओ, सब स्वाद है, और चूल्हे पे बनी हुई चीज स्वाद ना वैसा कभी होता भी नहीं है, पापड़ है साथ में तो बहुत बढ़िया है। अब ये एक नई चीज है वैसे, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुंदेलखंड की एक चीज है, इसको बोलते हैं बड़ा, ये एक दिन पहले बना लिया जाता है, तो अब देखो ये मैं एक बार ऐसे लेता हूँ इसको, उसको खा के देखते हैं। तो दोस्तों देखो अब ये है ना एक और चीज, इसको बोलते हैं मायरी। अब मायरी क्या है कि जो मक्का होता है उसको दरदरा पीस लिया जाता है और उसको मट्ठे में ही बनाया जाता है, चूल्हे पे बनी है देखो गर्मा गर्म बिल्कुल, ये देख रहे हो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, जैसे हमने राजस्थान में खीच बनती है ना बाजरे की, वैसा सही है ये मक्के का है। तो अब इसको एक बार खा करके देखते हैं, ये देखो हालांकि धुआं तो जोरदार निकल रहा है लेकिन सर्दी में धुआं ज्यादा दिखता है, ज्यादा गर्म होगी नहीं है, खा लेते हैं। मट्ठे की खटास, मक्का, परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है, लेकिन इस चीज का मजा ना गर्म में ही है, अगर ये ठंडी हो जाए, जैसे खींच ठंडी हो जाती है तो मामला खराब है, तो ये गर्मा गर्म जैसी है ना, मेरे ख्याल से सबसे पहले ये खा लो आप, बहुत अच्छी चीज है और फायदा भी करती है, सर्दियां तो हैं, बहुत सही चीज है। देखो झांसी के इतने करीब होने के बाद भी गांव वाला फील, और सबसे अच्छी बात यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है, तो इनकी जो ओपनिंग है वो है 21 जनवरी को,
तो सात्विक फूड के लिए झांसी में आप तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आ जाओ, नई जगह है, फील लेके देखो, खाना भी बहुत अच्छा है एंड इट्स जस्ट फॉर 299। इतना अच्छा खाना मेरे ख्याल से इस प्राइस में तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो इसकी जो लोकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक नंबर भी, अगर आप कॉल करके आना चाहते हैं, आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हो। मतलब आओ, बढ़िया फील लो, फैमिली के साथ घूमो फिरो और खाओ बढ़िया देसी खाना और मजे करो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। सो आई थिंक दिस इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। Till then, be happy.